साइलेंस, शांति। कभी फील किया है क्या? कैसे फील करोगे, वो बचा ही नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गया है, खत्म हो चुका है। सिटीज से या विलेजेस से, और हाँ हिल स्टेशन से भी, उसके लिए तो बहुत बहुत दूर जाना पड़ेगा। और ये कहानी उसी जगह के बारे में है। उसे ढूंढते ढूंढते मैं लद्दाख के लेह में भी पहुंच गया। नहीं, यहां भी नहीं था। यहाँ तो अब अच्छे अच्छे रोड बन गए थे, सब तरीके से हो रहा था। उसके लिए तो और दूर जाना पड़ेगा, जहाँ ना मोबाइल में नोटिफिकेशंस के लिए नेटवर्क हो और ना ही ये पक्के रोड। तो फिर मैं और आगे गया। अब ले से 100 किलोमीटर दूर आ गया था, मोबाइल में नेटवर्क भी जा चुके थे, अब पूरी दुनिया की खबर आनी बंद हो गई थी। पर हाँ, ये ट्रैफिक का शोर अभी भी था। फिर मैं और आगे गया। प्लेस से 200 किलोमीटर दूर आ गया था। अब जहाँ तक नज़र जा रही थी बस हमारी ही कार थी। रोड भी 50 किलोमीटर पहले ही ख़त्म हो गई थी। फिर कार को छोड़कर मैं कुछ दूर और चला। यह जगह है सोमोरेरी लेक। यहाँ की हाइट 15,000 फीट है और यहाँ की एयर काफ़ी थिन होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी फील होती है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैं थक गया और वहीं रुक गया। मैं अपनी ब्रीदिंग को सुन पा रहा था। सिर्फ ब्रीथिंग ही नहीं बल्कि अपनी हर एक हार्ट बीट को भी। हल्की हल्की आवाज हवा की भी आ रही थी। और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं साइलेंस को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जैसे किसी ने टाइम ही पॉज कर दिया हो, बस अपनी प्रेजेंस को फील कर पा रहा था। Just me and the nature. हमें साइलेंस की कमी कभी फील ही नहीं होती, क्योंकि हमने उसे कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो इसकी जैसे आदत हो जाती है। यू कैन लिसन टू योर सेल्फ। तुम्हारी आवाज़ वो जो हज़ारों के शोर में कहीं खो जाती है, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स और कंपैरिजन के शोर में कहीं दब जाती है, उस आवाज़ को तुम सुन सकते हो। वो सब डेली लाइफ का रश, वो सब शोर यहाँ तक आते आते सब फेड हो जाता है और बस तुम रह जाते हो, द रियल यू।
और तुम इस शांति, इस साइलेंस को बार बार फील करना चाहोगे। इसलिए नहीं क्योंकि तुम कुछ सुनना नहीं चाहते, बट इसलिए क्योंकि उसमें तुम खुद को सुन सकते हो। एंड आई चूज टू लिसन टू माई सेल्फ। अब सवाल तो ये है कि क्या अपनी आवाज़ सुनने के लिए इतनी दूर आना पड़ेगा? अब ये तुम मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो।